अध्यात्म के लिए पहला व्यवहारिक प्रयोग है मौन। पहला प्रयोग मौन से शुरू होना चाहिए। अधिकांश लोग कभी भी चुप रहने या ध्यान में शांति से बैठने के लिए समय नहीं निकालते हैं। घंटों घंटों मैं आंतरिक मौन में रहता हूँ। जब मैं लोगों के साथ होता हूँ तो मैं उनका भरपूर आनंद लेता हूँ। मैं पूरी तरह और पूरे दिल से उनके साथ हूँ। लेकिन जब मैं लोगों से दूर होता हूँ तो मैं जीवन के उस सर्वोच्च आनंद ईश्वर के आनंद में बिल्कुल अकेला होता हूँ। चाहे मैं कहीं भी रहूं, ईश्वर का वह आनंद हमेशा मेरे साथ है। आप मौन के साथ प्रयोग क्यों नहीं करते ताकि आप इसी तरह जी सकें? आप में से अधिकांश लोग 10 मिनट भी स्थिर नहीं बैठ सकते जब तक कि आपके विचार सभी दिशाओं में न भाग जाएं। आपने अपने घर में शांति से रहना नहीं सीखा है क्योंकि आप हमेशा अपने मन में बेचैनी से घूमते रहते हैं। मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर कहा करते थे, खुशी के भंडार का दरवाजा बंद करके मनुष्य उस खुशी की भीख मांगते हुए हर जगह भागता है। कितना मूर्ख है जबकि उसके पास आनंद का सारा भंडार पड़ा हुआ है। बचपन से ही मैंने ईश्वर की खोज की और उसके साथ संवाद ने मुझे वह खुशी दी है जो कोई भी पूर्ण भौतिक इच्छाएं कभी नहीं दे सकती। यदि आपके पास ईश्वर नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास ईश्वर है तो आपके पास सब कुछ है क्योंकि वह ब्रह्मांड का स्वामी है। यदि आपको धर्म से कोई परिणाम महसूस नहीं हुआ है तो ध्यान में प्रयोग करें, भगवान को उनकी चुप्पी से बाहर निकालें। आपको आग्रह करना चाहिए, भगवान मुझसे बात करो। यदि आप रात के सन्नाटे में और सुबह के समय सर्वोच्च प्रयास करते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप ईश्वर के प्रकाश की एक झलक देखेंगे या अपनी चेतना पर उनके आनंद की एक लहर महसूस करेंगे। ध्यान में मौन में ईश्वर को जानने का प्रयोग सबसे वास्तविक सबसे उल्लेखनीय परिणाम लाता है। वैज्ञानिकों ने एक बार सोचा था कि पानी एक एकल तत्व था, लेकिन बाद में प्रयोगों से साबित हुआ कि दो अदृश्य तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित संयोजन में मिलकर पानी बनाते हैं। इसी प्रकार धार्मिक प्रयोग से अद्भुत आध्यात्मिक सत्यों का बोध होता है। जब आप ध्यान में शांति से बैठते हैं और आपका मन भीतर एकाग्र हो जाता है तो आपके पास ईश्वर और अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप का प्रमाण होगा। धार्मिक नियमों क्रियायोग ध्यान के साथ प्रयोग अद्भुत है क्योंकि इसका परिणाम आपके बाहर नहीं होता है, ये ठीक आपके भीतर है।